हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे सितंबर 2022 मंथ के करंट अफेयर का एनवायरनमेंट सेक्शन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन। तो क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन में रिसेंटली जो है एक संस्था है ICIMOD, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका टाइटल है, शीर्षक है, स्टेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया एंड हिंदू कुश हिमालय रीजन। तो इस रिपोर्ट में जो साउथ एशिया की 10 कंट्रीज हैं उसको इसने शामिल किया है, जिसमें से इंडिया भी है, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इन सभी को शामिल किया है। तो इस रिपोर्ट में स्टडी क्या किया है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वुमेन, जो वुमेन कम्युनिटी है उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, उसकी स्टडी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इम्पैक्ट दिखाया गया है, तो इम्पैक्ट में जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो है जो सेक्सुअल वायलेंस होता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, कोई बिग क्लाइमेट चेंज इवेंट हुए, साइक्लोन आया या फ्लड आया, तो वहाँ से कम्युनिटी को डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो जो शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पे उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस का खतरा होता है, उनके साथ यौन शोषण का खतरा होता है, जो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो वुमेन होती हैं उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बच्चों की फूड नीड्स, उनकी फूड सिक्योरिटी का उनको ध्यान रखना होता है, तो इस चक्कर में उनकी खुद की जो नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि डायरेक्टली रूप से इम्पैक्ट क्या होता है वुमेन के ऊपर। और भी क्या पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो रूरल एरिया होता है उसमें वुमेन जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर के ऊपर वुमेन डिपेंडेंट होती हैं। तो होता क्या है, ग्रामीण एरिया में जो पुरुष वर्ग होता है वो जो है शहरों में चले जाते हैं अपने जॉब पर्पज़ से, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएँ होती हैं वो सीधे तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती हैं। क्लाइमेट चेंज का असर सीधे तौर पे एग्रीकल्चर पे पड़ता है, और एग्रीकल्चर प्रभावित जब होता है तो उसका इफ़ेक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो वुमेन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ा और एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो है वो वुमेन के ऊपर पड़ता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। तो 2008 में नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, इसके तहत जो है स्टडी की गई कि किस प्रकार वुमेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। अब आपको नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज 2008, इसमें 8 मिशन होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन 8 मिशन को आपको याद रखने हैं, जिसमें से सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, किस प्रकार से हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, एनर्जी एफिशिएंसी पे कैसे ध्यान देना है, नेशनल वाटर मिशन पे कैसे ध्यान रखना है, नेशनल सोलर मिशन पे कैसे ध्यान देना है, तो ये सभी टोटल आठ मिशन है, जिसको आप प्रीलिम्स और मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कम टू टॉपिक, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व वुमेन इन क्लाइमेट एक्शन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो किस प्रकार से आप वुमेन कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको लीडरशिप रोल में ला सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज के तहत वुमेन को इंक्लूड करना चाहिए, और वुमेन किस हद तक क्लाइमेट चेंज इवेंट से प्रभावित होती हैं ये देखना चाहिए, किस हद तक वुमेन जो हैं क्लाइमेट चेंज इवेंट से प्रभावित होती हैं, किस स्तर तक होती हैं। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उससे निपटने के लिए स्किल एनहेंसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, स्किल एनहेंसमेंट, एनकरेजमेंट, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये दो चार पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि उनको अवेयर करना चाहिए, उनका स्किल एनहेंसमेंट करना चाहिए, और उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक, तो इस टॉपिक में हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज इन वुमेन के अंतर्गत एक संस्था ICIMOD इसने रिपोर्ट जारी किया, और उसमें क्लाइमेट चेंज का वुमेन के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, अनप्रेडिक्टेबल सीवियर कंडीशन ऑफ वेदर, मतलब अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस जिसके फॉरकास्टिंग नहीं की जा सकती है। ठीक, अब फॉरकास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं, वास्तव में ये इवेंट्स होते क्यों हैं जिनको हम लोग फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं,
दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग. ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये इवेंट्स होते हैं. हाल में ऐसा देखा गया कि इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा संख्या में होने लगे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप पे दिखाया गया है कि इंडिया में ही 2022 में ही दो साइक्लोन आए जिनका नाम आपको याद रखना है, एक यास और दूसरा ताऊते. तो यास जो साइक्लोन आया था वो इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं वो इसके द्वारा इफेक्टेड हुए थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. ठीक, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि कौन से एरियाज इफेक्टेड हुए थे, पहली बात प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरी बात, कोई भी साइक्लोन होता है उसका नेमिंग होती है, उसका नामकरण होता है, तो कौन से देश ने इसका नामकरण किया. तो या इसका नामकरण जो है वो ओमान ने किया था. उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो ताऊते था उससे कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ था, तो उससे जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, गोवा हुआ, ये सभी स्टेट्स जो हैं वो इफेक्टेड हुए थे, पहली बात. दूसरी बात, इसकी नेमिंग किसने की थी, तो म्यांमार ने की थी. और जो यास था उसका जो ओरिजिन पॉइंट था वो बे ऑफ बंगाल था, बंगाल की खाड़ी थी. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए. और साथ ही साथ ये भी, जैसे यास का जो नेमिंग था उसने ओमान ने नेमिंग किया है, तो ओमान का लोकेशन क्या है मैप पे ये आपको पता होना चाहिए. जैसे ये ओमान है, ठीक, ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पर्शियन गल्फ के नज़दीक है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और किसी भी टॉपिक को आप मैप से जोड़ते हुए पढ़ा कीजिए. इसके अलावा जो बिग इवेंट्स हुए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिस तरह हुए, जैसे आप देख सकते हैं यूरोप में मेगा ड्रॉट आया, चाइना में हेनान प्रोविंस में फ्लडिंग इवेंट हुआ, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में अब एक दो साल पहले जो है वहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ था, वहाँ पे काफ़ी स्पीसीज लॉस हो गई थी, वाइल्ड स्पीसीज एनिमल्स की डेथ हो गई थी. तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखा कीजिए. जो करंट इवेंट्स जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको आप हाल में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके साथ आप ऐड करके आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ये IPCC की रिपोर्ट जो थी उसमें ये देखा गया कि जो हाल में जो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ है. एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर एंड एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की इवेंट जो हैं वो ज़्यादा संख्या में आजकल होने लगी हैं. अब क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसका इम्पैक्ट स्टडी किया गया. तो इम्पैक्ट कैसे स्टडी किया गया, फिजिकल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ह्यूमन एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो फिजिकल एनवायरनमेंट पे आप इस तरह के समझ सकते हैं कि वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. सेकेंड इज जो एनिमल स्पीसीज हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एंड थर्ड पॉइंट इज जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक. कोस्टल एरिया में जैसे आते हैं तो कोरल रीफ्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो इन सभी चीज़ों से नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट पर साइक्लोन का कोरल एरिया पर इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरह से वेजिटेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि भाई क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, तो क्रॉप यील्ड कम होगा, तो फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. तो फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी तो सप्लाई चेन बाधित होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. तो इस तरीके से सभी एक चेन बनता है, अगर क्लाइमेट इवेंट होगा तो उसे एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो इकोनॉमी प्रभावित होगा, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक. तो इस तरीके से जो है, और लाइवलीहुड, जैसे साइक्लोन आया वहाँ के लोग विस्थापित हो गए तो उनकी आजीविका के संकट आ जाता है, ठीक है. तो इस तरह की समस्याएँ ये आती हैं. तो ह्यूमन इंड्यूस्ड एंड नेचर इंड्यूस्ड इवेंट्स की वजह से, ड्यू टू नेचर, ये जो है इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं. देन कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रैकलिंग एक्सट्रीम इवेंट्स, अपने को टैकल कैसे करना है. ये तो हमने देख लिया कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, अपने को टैकल कैसे करना है, ठीक. तो सबसे पहले बात, अपने पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए. जैसे जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो आइलैंड नेशंस होते हैं, उनके पास प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होती है. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनका काफ़ी कम होता है, तो इनके पास सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनका कराया जाए ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम इनके पास इंस्टॉल कराया जाए ताकि अर्ली वार्निंग करें और वहाँ के जान माल की हानि कम हो. ऐसा होता था इंडिया में भी 20-25 साल पहले, कोस्टल एरिया में जो साइक्लोन आते थे उड़ीसा वगैरह में, तो काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी. तो अब इंडिया के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो पहले से सूचना दे दी जाती है जिससे काफ़ी नुकसान बच जाता है. नेक्स्ट इज कमिटमेंट गैप. कमिटमेंट गैप, जैसे COP 21 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 पेरिस में 2015 में, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे COP 21, ये याद रखिए. ये एजेंडा 21 से अलग है. एजेंडा 21 जो है वो रियो समिट को कहते हैं, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक.
यहाँ COP21 है, इसमें जो टारगेट लिया गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था दुनिया में, तब से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, उसके तापमान इंक्रीज में 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनइक्वालिटीज। इसको इस तरीके से समझिए कि जो लोअर, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कंट्री जिनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया, वो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में है। किसी भी कंट्रीज को डेवलप होने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज, फ्रांस हुई, यूके हुआ, यूएसए हुआ नॉर्थ अमेरिका में, तो ये सब कंट्रीज जो हैं ये 100-200 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डेवलप्ड हो चुकी हैं। ठीक, तो अब अगर हम इन जो स्मॉल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको अगर हम इनके ऊपर कैप लगा दिए एमिशन का कि भैया आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते, तो फिर उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होगी, हर्डल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को, इस तरीके से उनको थोड़ी बहुत रिसेशन छूट देनी चाहिए। ठीक, बाकी फंडिंग इशू तो है ही, जहाँ भी समस्या है फंडिंग की उनको हेल्प करनी चाहिए ऐसी कंट्रीज़ को। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन बी डन। तो व्हाट कैन बी डन, इस पे तो मैंने बता दिया पहला बिंदु कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाने चाहिए ताकि पहले से वार्निंग हो। सेकेंड इज कमिटमेंट जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो कमिटमेंट जो है वो मीट किया जाना चाहिए, ये दूसरा बिंदु। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, इसमें फाइनेंशियली जो है हेल्प किया जाना चाहिए। देन इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है हमने क्या सीखा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हाल के समय में ज़्यादा संख्या में होने लगे हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्से इससे प्रभावित हो रहे हैं, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग के तहत हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है और उसमें चैलेंजेस क्या हैं और उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन पॉलिसी। अब एयर पॉल्यूशन पॉलिसी जो है ये न्यूज में क्यों आया? ठीक, तो हाल में ही जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो MOFC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो MOFC ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्यों किया था? टारगेट लिया था कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, इसमें रिडक्शन लिया जाए, 20-30% रिडक्शन टारगेट था 2024 तक। तो हाल में ही जो ये टारगेट है उसको 40% कर दिया गया है 2026 तक, मतलब टारगेट को भी इंक्रीज कर दिया गया है और टाइम पीरियड को भी इंक्रीज कर दिया गया है, दोनों बिंदु हैं। ठीक, तो ये प्रीलिम्स में UPPCS में ये क्वेश्चन आ चुका है कि PM2.5 PM10 इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो ये 2.5 जो होता है वो डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। किसमें होता है? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर, मतलब एक मीटर का 1,000,000th पार्ट। तो वो जो पार्टिकल होता है वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं हम लोग के रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू और हम लोग के लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। ठीक है, इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट इज ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो 132 सिटीज़ में इम्प्लीमेंटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इनका जो एयर क्वालिटी जो पैरामीटर है वो कैसे स्टैंडर्ड, ये कैसे मतलब मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए इसने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऐसा, इसमें 12 पैरामीटर्स में रखे गए हैं जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, PM2.5 एंड PM10 है, ओजोन है, अमोनिया है, लेड है, बेंजीन है, आर्सेनिक है, निकल है। इसमें से जो पहले 8 गैसेज हैं ओजोन अमोनिया लेड यहाँ तक, इसमें ये पैरामीटर हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये 8 पैरामीटर हैं, 8 गैसें जिसमें इनके तहत पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इनका निकाला जाता है। आपको बस ये 4 एक्स्ट्रा याद करनी है, तो ये आपके ध्यान में होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात है कि अदर एफर्ट्स इन इंडिया टू टैकल एयर पॉल्यूशन, और क्या एफर्ट्स इंडिया में लगाए गए हैं कि एयर पॉल्यूशन को कैसे टैकल किया जाए? तो पहला है फेम इंडिया प्रोजेक्ट। फेम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा संख्या में मैन्युफैक्चर किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, ताकि लोग उसको यूज करें फ्यूचर में, और जिसके तहत एयर पॉल्यूशन रोका जा सके। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत जो है ये, इसके अंतर्गत जो है ये आता है, पहला पॉइंट जो आप याद रखिए। दूसरी बात, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, ठीक।
ये हम लोग कर सकते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं। पोर्टल एक अलग लॉन्च किया गया है प्राण, जिस पर अपडेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेज फेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCAP। चैलेंजेज क्या है? तो सबसे पहली बात, अपने पास मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है, अपने पास मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है। जैसे कि पर मिलियन 10 लाख लोगों में सिर्फ 0.14 मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। इन इंडिया हैज ओनली 804 क्वालिटी, सिर्फ 804 क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों पे सिर्फ 0.14 है। जबकि जो विकसित देश हैं जैसे US में 3.4 है, मतलब 10 लाख लोगों पे 3.4 है, और इंडिया में कितने हैं 0.14। तो ये आप देख सकते हैं डाटा, और चाइना के पास भी देखिए हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने पास सबसे पहले एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जो बड़े सिटीज हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है, वहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट जो है डाटा, तो डाटा तभी आएगा जब आपके पास एयर क्वालिटी मॉनिटर्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वहाँ से फिर अपने पास डाटा रहेगा, तो डाटा अपडेट होता रहेगा, तो पता चलेगा कि कहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और डाटा है कि दिल्ली जो है रैंक्ड एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार चौथी बार जो है दिल्ली को पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी घोषित किया गया है। तो देख सकते हैं व्हाट इज़ द ग्रेव इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज इशूज इन बाउंड्री बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज़ दिस इशूज इन बाउंड्री बेस्ड अप्रोच? तो NCAP में क्या प्रॉब्लम है, कि NCAP 132 सिटीज में से मैंने बताया कि ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अब जिस सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया है, ये मान लीजिए सिटी है, और इसके आसपास भी जो सिटीज हैं, तो जिस सिटी में ये इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर इस सिटी से पॉल्यूशन इस सिटी में अगर आ रहे हैं, ठीक है, जो नाइबरिंग सिटीज़ हैं उससे पॉल्यूशन अगर इस सिटी में आ रहे हैं, तो उनको NCAP कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। इसकी जो बाउंड जो इस एरिया में इम्प्लीमेंटेशन है, बाहर के पॉल्यूशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये जो है वो समस्या है NCAP के साथ। जैसा कि इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन अक्टूबर नवंबर के जो मंथ होता है, जब खरीफ की फसल कटती है, तो उस समय जो आसपास के स्टेट्स से जो स्टबल बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग मतलब जो क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप है, वो जब कटती है, उसके कटने के बाद जो रेसिड्यू होता है, उसमें जो बचे हुए हिस्से होते हैं, उनको जला दिया जाता है, और उस हिस्से उसी वजह से जो पॉल्यूशन जो है वो फैलती है, और वो दिल्ली के इलाके में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इशू जो है वो पिछले कई सालों से 4-5 सालों से ये इशू आ रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। अब आगे क्या करना है, किस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके के जो एयर पॉल्यूशन है, इसको हम लोग किस तरीके से जो है टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइडिंग लीगल मैंडेट टू टारगेट्स। तो लीगल मैंडेट इस तरह से समझिए, जैसे कार एमिशन है, व्हीकल एमिशन है, तो व्हीकल एमिशन को रोकने के लिए इंडिया में BS नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के पास BS6 नॉर्म्स है, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूरो नॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉर्म्स लगा के व्हीकल पॉल्यूशन को, जो व्हीकल जनरेटेड पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल किया जाता है। सिमिलरली अपने के पास लीगल मैंडेट होना चाहिए, ताकि हम लोग एयर पॉल्यूशन जिस इंडस्ट्री से हो रहा है या कहाँ से हो रहा है, वहाँ हम लोग जो है वो रोक सकें। पहली बात, लीगल नॉर्म्स होना चाहिए। ऑब्वियसली अवेयरनेस तो लोगों में फैलानी ही है, एंड इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ठीक। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन तो अपने पास होने चाहिए, ताकि पता चले कि क्या एयर क्वालिटी है और लोगों को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक। तो इतना तो होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। और बेसिकली इसका काम ये होगा कि जो सिटी जिनमें इम्प्लीमेंटेड है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उनकी रैंकिंग की जाएगी, ठीक है। उनकी रैंक निकाली जाएगी कि कहाँ कितनी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक। तो ये टॉपिक जो है हमने देखा कि NCAP ने अपना टारगेट रिवाइज किया, जिसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज में आया, और एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्या चैलेंजेज हैं, और क्या हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चीता री इंट्रोडक्शन। तो चीता री इंट्रोडक्शन ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया कि हाल में ही 8 अफ्रीकन चीते ये इंट्रोड्यूस करे गए। कहाँ से करे गए? कूनो नेशनल पार्क, नामीबिया से किए गए। नामीबिया से कहाँ किए गए? कूनो नेशनल पार्क।
एमपी मध्य प्रदेश में कोनो नेशनल पार्क है वहाँ किए गए। तो आपको क्या याद रखना है कि नामीबिया से किए गए और कहाँ किए गए, एमपी में, याद किए एमपी में किए गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोनो नेशनल पार्क का नामकरण जो है वो कोनो रिवर पे है, वहाँ रिवर है कोनो रिवर, उसके वजह से स्पेस का नामकरण है। और इसमें फॉरेस्ट टाइप क्या है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक। इसका लोकेशन आपको रफली याद होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश का ये मैप दिखाया गया है और इस मैप में जो सबसे नॉर्थर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पे कोनो नेशनल पार्क है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ट्रीज आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस तरह के ट्रीज, करधई, सलई, खैर, ये ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। बाकी आपको ये हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज रीजन फॉर चूजिंग कोनो नेशनल पार्क फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन, क्यों चुना गया कोनो नेशनल पार्क को चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए। तो पहला पॉइंट है सुटेबल हैबिटाट, कि यहाँ की जो है ओपन कैनोपी है, ओपन कैनोपी है तो चीता यूनो काफ़ी तेज़ दौड़ता है, 100+ इसकी रनिंग स्पीड है, 100+ किलोमीटर पर आवर। तो ओपन कैनोपी रहेगा तो उसके हर्डल्स नहीं रहेंगे, उसके दौड़ने में बाधा कोई उत्पन्न नहीं होगी, तो ये इसके लिए फ़ायदा है। दूसरी बात है एडिक्वेट प्रे बेस, जो शिकार है उसका जो फूड है जैसे कि चीतल, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है तो उसके फूड सिक्योरिटी, उसके फूड प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, तो खाना मिलेगा ठीक ठाक, ठीक। तो एडिक्वेट प्रे बेस है। चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट आसपास कम है तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज ऑलरेडी हैबिटाट ऑफ बिग कैट्स, जैसे टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, तो इस तरह जो बिग कैट्स हैं उनके हैबिटाट ऑलरेडी वो हैं, तो इनके इंट्रोडक्शन से हम देख सकते हैं कि पहले से उनके हैबिटेबल एरिया है। ये भी चीता भी जो है वो भी एक बिग कैट है, तो इसके भी हैबिटेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोनो नेशनल पार्क जो है वो हैबिटेबल रहेगा चीता के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोजेक्ट चीता, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो दो कॉन्टिनेंट के बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इस तरह की लार्ज कार्निवोर मैमल को ट्रांसलोकेट किया गया दो महाद्वीप के बीच में, ठीक है। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, दूसरा एशिया है, इंडिया एशिया में है, नामीबिया जो है वो अफ्रीका में है, और ये ट्रांसलोकेशन हुआ है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि चीता जो है वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कब किया गया था, 1952 में, लगभग 70-75 साल हो गए। 1947 में लास्ट टाइम जो है वो किलिंग जो है हुआ था और 1952 में एक्सटिंक्ट इसको घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद काफ़ी सालों से ये लंबित था कि इसको रीइंट्रोड्यूस करना है, लेकिन इस साल हुआ है 2022 में। और चीता आर द ओनली वाइल्ड मेमेलियन स्पीसीज, ओके। तो जो लार्ज मेमेलियन स्पीसीज हैं, जो लार्ज मेमल्स हैं, तो आज़ादी के पश्चात चीता एक ऐसा स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हुआ है, और कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो एक्सटिंक्ट हुआ है लार्ज मेमल्स में, ठीक। नेक्स्ट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है। किसके अंतर्गत आती है, MOFSI के अंतर्गत आती है, और ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, और 2005 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये तीन चार फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, स्टेचुरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया और 2005 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और टाइगर कंजर्वेशन का काम करती है और अब ये चीता के कंजर्वेशन का भी काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इसको सपोर्ट किसने किया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है देहरादून में, और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1982। तो जो PCS के जो प्रीलिम्स होते हैं इसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस्टेब्लिश कब हुआ, और NTCA के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ चीता रिलोकेशन, चीता को रिलोकेट करने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं, ठीक है, और क्यों किया गया। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि इससे अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इससे सुधरेगा। जैसे ये मान लीजिए ये पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो नीचे होते हैं वाटर ड्रॉप्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें सभी स्पीसीज का, चाहे जो एवरी स्टेज जो है, इसमें सभी स्टेज पे जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज होती हैं सबका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, बायोडायवर्सिटी में।
अगर आप टॉप कार्निवोर को एक्सटेंट कर दोगे, पोचिंग कर दोगे, किलिंग कर दोगे, और ये एक्सटेंट हो गए तो फिर इनकी संख्या बढ़ेगी। इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनकी इनके प्लांट स्पीसीज जो है वो खतरे में आएगी, ठीक है। तो अपने को डिजर्टिफिकेशन तरह के इशूज हो सकते हैं, तो इस अपने को क्या करना है कि इन सभी का आपस में बैलेंस होना, सभी ट्रॉफिक लेवल का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अगर चीता को हमने रिलोकेट किया तो चीता तो 70-75 साल पहले अपने एनवायरनमेंट का, जो इंडिया का एनवायरनमेंट था, यहाँ का जो फॉरेस्ट था, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसका एक हिस्सा था। उसको एक्सटिंक्ट कर दिया गया पोचिंग के कारण, किलिंग के कारण कर दिया गया, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा। अगर उसको हम लोग रिलोकेशन कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे होंगे, फिर से एनवायरनमेंट जो है, फिर से उसका इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा होगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिलोकेट किया गया है। नेक्स्ट कम टू कंसर्न्स रिगार्डिंग रिलोकेशन। तो दो तीन चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। रिलोकेट तो कर दिया गया है, सबसे पहले अपने को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो गवर्नमेंट को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वहाँ के लोग जो हैं वो हारमोनी के साथ रहें उनके साथ। एंड सेकेंड इज को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज प्रीडेटर, चूंकि वहाँ ऑलरेडी मैंने बोला कि टाइगर्स, लियोपर्ड इस तरह के बिग कैट्स हैं, तो कंपटीशन ना हो फूड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उनको प्रॉपर फूड्स सप्लाई होना चाहिए एनिमल्स के रूप में। नेक्स्ट इज चीता टास्क फोर्स एंड चीता मित्र, हाँ चीता मित्र, इन दोनों चीज़ों का गठन किया गया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का या टीम कह सकते हैं। तो बेसिकली जो चीता मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं और ये ट्रेंड होते हैं, कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वहाँ की कम्युनिटी भी हो सकती है, जिनको अवेयर किया जाता है और ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से वो चीता के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में सहायता करें गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज चीता टास्क फोर्स, तो इसका गठन किया गया था किस प्रकार से चीता के रीइंट्रोडक्शन प्रोसेस में ये लोग हेल्प कर सकें, ठीक है। और क्या चैलेंजेज हैं, और एक जो ये बड़ा चैलेंज है वो रिस्क ऑफ डिजीज है, क्योंकि चीता जो है पिछले 70-75 सालों से यहाँ के बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं था, यहाँ के फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं था, तो अगर हम बाहर से लाकर उनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उनकी प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो जाए, होता रहे, ताकि कोई भी तरह का डिजीज अगर उनको होता है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो सके, ठीक। और बाकी Why are चीता being sourced from Africa? तो अफ्रीका से ही चीता क्यों मंगाया गया, तो इसका आंसर तो यह है कि जो ईरान है, ईरान में चीता काफ़ी कम संख्या में है, ठीक है। आई थिंक अराउंड 50 के अराउंड ही हैं, बहुत ही कम संख्या में चीता हैं, और इंडिया ने अप्रोच किया भी था ईरान से चीता के लिए, एशियाटिक चीता के लिए, लेकिन वहाँ चूँकि ऑलरेडी कम संख्या में है तो इसलिए ऐसा नहीं हो सका वहाँ से। तो अफ्रीका में अच्छी खासी संख्या में है, तो अफ्रीका में जो नामीबिया है, तो नामीबिया से वहाँ से ये ट्रांसलोकेट किया गया है, और नामीबिया का लोकेशन आपको वर्ल्ड मैप पे पता होना चाहिए कि कोई भी मान लीजिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये साउथ वाला हिस्सा है और इस तरीके से कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे नामीबिया पड़ता है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन है और साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर लगता है और बोत्सवाना के साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो कोई भी अगर प्लेस जो है, कोई भी स्थान अगर न्यूज में है तो तुरंत आप उसको वर्ल्ड मैप पे जो है देखिए, उसका लोकेशन देखिए आसपास क्या है, और UPSC और UPPCS में पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में इस तरह के मैप्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। दूसरा जो आपको पॉइंट इसमें याद रखना है फिजिकल करेक्टरिस्टिक में, कि बीगर इन साइज जो होते हैं अफ्रीकन चीता जो हम लोग ट्रांसलोकेट कराए हैं, ये एशियाटिक चीता से इनकी साइज जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और IUCN स्टेटस तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया कि वाई चीता बींग सोर्स फ्रॉम अफ्रीका। नेक्स्ट इज अफ्रीकन चीता करेक्टरिस्टिक, तो दो तीन फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये फास्ट, तो इसकी फास्टेस्ट रनिंग MML तो है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज डायगोनल, कि दे हंट ड्यूरिंग डे, जो रात को हंट करते हैं उनको नॉक्टर्नल कहते हैं, तो ये दिन को करते हैं हंट, इनको डायगोनल कहते हैं। और एक और फैक्ट दिया गया है कि अनलाइक अदर बिगर कैट दे डोंट रोर, ठीक है, तो ऐसा है। और नेक्स्ट इज
देयर जिसेशन पीरियड इज 93 डेज। हाँ, तो ये आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद करिए इस तरीके से, क्योंकि यूपीएससी 2020 में, यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन था, उसमें एलिफेंट का जिसेशन पीरियड शायद पूछा गया था, और उसमें बेसिकली केरला में एक इवेंट हुआ था, एक घटना हो गई थी जिसमें एक एलिफेंट की डेथ हो गई थी, और उसके जो एम्ब्रायो था, उसके जो एम्ब्रायो था उसमें एक एलिफेंट था, मतलब वो मदर थी और उस सी वाज प्रेग्नेंट, तो उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज लोकल कम्युनिटी में से किसी ने फ्रूट में बॉम्ब लगा के उसको खिला दिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके लेके वो न्यूज़ में था, काफ़ी क्रूअल इवेंट था वो, और काफ़ी क्रूअल घटना थी, और उसको लेके वो न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने उस पर सवाल भी किया था एलिफेंट के तहत, ठीक है। तो आपको एलिफेंट के रूप में, तो आपको ये चीते का भी पता होना चाहिए कि इसका जेसेशन पीरियड क्या है। तो 3 महीना लगभग ये गर्भ में बच्चा रहता है, इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ पीरियड है, सिमिलरली चीते का 93 डेज है, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। हम लोग चीते को रीलोकेट कर दिए, रीइंट्रोड्यूस कर दिए, अब आने वाले समय में अपने वो देखना क्या है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लोकल कम्युनिटी को हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहना है कि किस तरीके से हारमोनी में रहें, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। दूसरी बात, अपने को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वेटरनरी टीम, फ्रंट लाइन स्टाफ, इनको अपने को ट्रेनिंग देते रहना है, और ताकि ये सही समय पे उनके हेल्थ चेकअप और भी चीज़ देखते रहें, कोई डिजीज़ ना हो, और कंजर्वेशन में मदद मिले, और इतना काफ़ी होगा इसके लिए डिजीज स्क्रीनिंग। देन ये अफ्रीकन चीता जो ट्रांसलोकेशन हुआ, रीइंट्रोडक्शन हुआ, ये इसमें मैंने ये बताया, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली इंडिया होस्टेड 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया ने होस्ट किया। अब ये इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर, ये क्या है? ये बेसिकली एक ट्रीटी है, ठीक है, और लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। तो अडॉप्टेड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, और FAO का हेडक्वार्टर जो है वो रोम है, इटली, ठीक, और 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2-3 फैक्ट ये आप याद रखिए, और इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन फूड एंड एग्रीकल्चर, तो है क्या ये? टू कंजर्व, यूज एंड मैनेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि इसके अंतर्गत जो प्लांट के जो सीड्स होते हैं, प्लांट के सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और पॉलेंस जो होते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ, फ्रूट्स हैं, कटिंग्स हैं, पॉलेंस हैं, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है, इन सबको रखा जाता है एक जगह पे, जैसे कि यहाँ पे है ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे, यहाँ पे इनको रखा जाता है। नॉर्वे का लोकेशन फिर मैं बोलता हूँ, आप मैप पे जाइए देखिए, बिल्कुल आर्कटिक के पास है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब इसकी लगातार ये कंट्रियाँ हैं, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब नेबरिंग कंट्रीज हैं इसके, डेनमार्क, इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीड वॉल्ट है, तो कोई भी प्लेस अगर न्यूज में है, इस तरीके से मैप पढ़ने का तरीका है कि आप उसको मैप पे जाके, वर्ल्ड मैप पे जाके देखिए। तो जो भी ये प्लांट मटेरियल्स हैं, सीड्स हुए, फ्रूट्स हुए, कटिंग्स हुए, इनको प्रिजर्व करना है, और इनको प्रिजर्व बेसिकली करना क्यों है, इनको स्टोर करना क्यों है, इस तरीके से समझिए कि क्लाइमेट चेंज इवेंट होते हैं, कोई भी बड़ा क्लाइमेट चेंज इवेंट हुआ तो उसमें जो है किसी भी प्लांट स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है, किसी भी प्लांट स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। मान लीजिए वाइल्ड फायर्स आ गया, अब कोई वहाँ का इंडिजिनस स्पीसीज है, नेटिव स्पीसीज है, वो वहाँ से ख़त्म हो गया और वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। अगर उसके सीड्स अपने पास होंगे तो फिर उसको वापस एनवायरनमेंट में रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, समझ रहे हैं? इस ट्रीटी का मेन जो पर्पज ही है वो यही है कि कोई भी प्लांट स्पीसीज अगर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट अगर हो जाए तो उसको हम लोग वापस जो है फिर से किस प्रकार से
हम लोग वापस एनवायरनमेंट में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या हैं? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फूड एग्रीकल्चर। थ्रेट्स तो सबसे पहले पॉल्यूशन तो है ही, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, और पॉपुलेशन ग्रोथ, तो बेसिकली पॉपुलेशन प्रेशर है, डिमांड्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, तो जिसकी वजह से समस्याएं हैं। क्लाइमेट चेंज तो है ही, जैसा कि उसका तो इफेक्ट पड़ता ही है इसका हर चीज़ों पे। नेक्स्ट इनवेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इस तरीके से समझिए कि कोई भी स्पीसीज अगर हम लोग बाहर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कोई स्पीसीज नॉर्थ अमेरिका का है, वहाँ से हमने इंडिया में हिमालयन इकोसिस्टम में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हिमालय की जो नेटिव स्पीसीज होती है उस एरिया की, उसके लिए वो खतरा बन सकती है। ठीक है, मान लीजिए इसको इस तरह समझिए, कोई घर में बाहर से आया और घर के व्यक्ति को ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये इन्वेसिव स्पीसीज इस तरीके से होती हैं कि बाहर से आती हैं और वहाँ के नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती हैं। ठीक, तो अपने को इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो हैं ये फैलने से रोकना चाहिए। ठीक, आप जाके देखिए, सर्च कीजिए कि कौन कौन से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इंडिया में फैल चुकी हैं ऑलरेडी, जो पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट इज टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट जेनेटिक वेराइटीज। प्लांट वेराइटीज, तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस दो तीन टेक्निक के नाम जो हैं ये याद रखने हैं, जिसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कि फील्ड जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और क्रायो बैंक। ठीक है, ये तीन टेक्निक जो हैं वो प्लांट प्रोटेक्ट में, प्लांट प्रोटेक्शन में इन तीन टेक्निक का यूज किया जाता है। वे फॉरवर्ड, आगे क्या? तो सबसे पहले ये तीन टेक्निक तो हम लोग करना ही है प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज अपने पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए कि कौन सी प्लांट स्पीसीज जो है जिनके ऊपर फ्यूचर में खतरा है उनके एक्सटिंक्ट होने का, अपने पास प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। एंड दैट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, इतना काफ़ी है। तो ये हमने देखा इसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये ITPGRFA, FAO, और इंडिया के पास भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह पे ध्यान देते हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी पे ध्यान देता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक, जो कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करता है। नेक्स्ट कम टू ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से समझिए कि FAO ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022 से 2030। ठीक है, ये एक रोड मैप ऐसा करके डॉक्यूमेंट रिलीज किया FAO ने। तो FAO का काम क्या है? FAO का काम जैसे है कि दुनिया से हंगर, फूड सिक्योरिटी, हंगर ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना, ये FAO का काम है। ठीक, FAO ने स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 किया है, इसके तहत ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रोड मैप तैयार किया है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या कि जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम में आपके हो गए वाटर हो गए, तो वाटर सिस्टम में जैसे आपके ओशियन हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ठीक, इससे किस प्रकार से हम एक्वेटिक फूड, किस प्रकार से हम एक्वेटिक फूड को बढ़ावा दे सकते हैं, और उस एक्वेटिक फूड के प्रोडक्शन से किस प्रकार हम लोग फूड सिक्योरिटी को टैकल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का जो पर्पज है कि जो एक्वेटिक एरियाज हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हैं, उससे हम किस प्रकार एक्वेटिक फूड, फिश, जैसे फिश प्रोडक्शन को हम लोग किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और उससे हम लोग फूड सिक्योरिटी को किस प्रकार टैकल कर सकते हैं। कोई भी अगर फूड सिक्योरिटी हुआ, और हाँ, फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ जो भी इस एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं फिश प्रोडक्शन में, जो फिशर्स हैं, फार्मर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो भी इस इकोनॉमिक चेन में जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एटलीस्ट 35% ग्रोथ इन ग्लोबल सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन। इसका जो रोड मैप है, इसमें जो तैयार किया गया FAO द्वारा, उसमें है कि कम से कम 35% अपने को ग्रोथ करना है फिश प्रोडक्शन में, कब तक? 2030 तक। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं वाइल राइटिंग। तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्वाटिक सिस्टम है उसमें अपने को एक्वाटिक फूड सिस्टम को आपको बूस्ट करना है। बूस्ट क्यों करना है? उससे अपने को फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को टैकल करना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना है। नेक्स्ट इज
ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप प्रोवाइडेड बाय एफएओ, ठीक है, ये रोड मैप है। इसमें पॉलिसीज सबसे पहले क्या करना है अपने को, ठीक है, एक्शंस क्या प्रायोरिटी एक्शंस होनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को पॉलिसीज के अंतर्गत, गवर्नमेंट को पॉलिसीज के अंतर्गत लोगों को किस प्रकार से, लोगों को किस प्रकार से प्लानिंग कोऑपरेशन, प्लानिंग कोऑपरेशन और फाइनेंशियली आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इस तरह पॉलिसीज के अंतर्गत पहले आपको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, ठीक है। पहले आप एक पॉलिसीज लाइए, देन इंक्लूसिविटी, किस प्रकार लोगों को जोड़ें, किस प्रकार लोगों को जोड़ें उससे, ठीक है। आपके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए कितनी संख्या में लोग इस सेक्टर पे फिशिंग और जो जो एक्वेटिक एक्वाकल्चर है उससे कितनी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं और किस प्रकार से उनको हम जोड़ सकते हैं उससे और किस प्रकार उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये अपने पास प्रॉपरली डाटा होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, अब अपने को एक्वाकल्चर पर बढ़ावा देना है, ठीक है। अब अपने को एक्वाकल्चर पर बढ़ावा देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो वाटर सिस्टम है उसको पॉल्यूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अपने को वाटर इकोसिस्टम का भी ध्यान रखना है, हम लोग फिश प्रोडक्शन भी करना है और वाटर के हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग ट्रेड, ओके। तो एनहेंसिंग ट्रेड, ट्रेड तब बढ़ेगा जब यहाँ फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ साथ उसके जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं, ये इंडिया के साथ प्रॉब्लम होता है, यहाँ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, फूड सेफ्टी नॉर्म्स आपको मीट करनी चाहिए तभी वो एक्सपोर्ट कर, तभी हम लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड सेफ्टी नॉर्म्स आप उसका रखिए जो भी एक्वेटिक फूड्स हैं और उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करिए, ठीक। और लोगों को उसके एक्वेटिक फूड के न्यूट्रिशन के बारे में भी लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट्स जो हैं वो करने हैं, ठीक। देन इज इंडिया ने क्या टारगेट लिया, तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ये इंडिया ने लॉन्च किया है इसी ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। और क्या किया है, तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशन है, लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन या लोन में जो है इंटरेस्ट रेट में छूट दी जा रही है, फाइनेंशियल हेल्प किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, तो फिशर्स को जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड्स में इंक्लूड किया गया है ताकि जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सके, ठीक है। और मत्स्य सेतु ऐप ताकि डाटा गवर्नमेंट के पास आए, लोग जुड़ें और मॉनिटरिंग हो सके। तो ये तीन चार स्टेप्स जो हैं वो इंडिया ने लिए हैं इस डायरेक्शन में। तो ये हमने देखा किस प्रकार से ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एफएओ ने रोड मैप तैयार किया और इंडिया ने क्या कर रहा है इंडिया और क्या ये रोड मैप है और क्यों है, ठीक। तो इसमें हमने एनवायरमेंट सेक्शन आज हमने डिस्कस किया और इसी सीरीज के तहत हम लोग करंट अफेयर्स के सेप्टेम्बर के जो बाकी टॉपिक्स हैं, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ और भी जो हैं उनको हम कवर करेंगे जल्दी, उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।